Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University. The course, as usual, is Introduction to Programming, और आज ये lesson number 8 है. पिछले session में हमने loops की discussion कुछ complete की. While loop के बाद हमने do while और फिर for loop को cover किया. उसके बाद हमने कुछ नए operators introduce किए, increment के लिए, decrement के लिए, और कुछ compound assignment operators introduce किए. आज हम एक फाइनल, मतलब समझ लें एक मल्टी वे डिसीजन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा लूप्स के ऊपर और बात कर ली जाए. देखें, अभी तक जो हम लूप्स चलाते रहे हैं, वाइल हो, फॉर हो, किसी किस्म की भी हो, हम एक किस्म का काउंटर चलाते थे, या कहते थे कि जी वाइल कोई नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू सम अदर नंबर. क्या सिर्फ इसी किस्म की लूप्स होती हैं, या कोई और भी हो सकता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट काउंट पता ही ना हो कि जी कितनी दफ़ा ये लूप चलेगी. इनफैक्ट ये काफ़ी कॉमन अकरेंस है कि जी जब लूप में एक प्रोग्राम दाखिल होता है तो हो सकता है कि प्रोग्राम को ना मालूम हो कि जी ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, किसी कंडीशन पे उसने एग्जिट करना हो. एक फिर हम कॉन्ट्राइव्ड सा एग्जाम्पल बना लेते हैं अपने लिए. सपोज़ हमने क्लास की एवरेज जो है ना, मार्क्स की, सपोज़ आपके मिड टर्म के रिज़ल्ट आगे हुए हैं और हमने मिड टर्म्स के मार्क्स की एवरेज निकालनी है क्लास पूरी के लिए. वेल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्लासेस कुछ बड़ी होती हैं, है ना. सपोज़ मैं आपको मार्क्स दे भी दूं, या हमारी आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे देखें कि जी मिड टर्म के मार्क्स लगे हुए हैं. कैसे पता करेंगे? एवरेज तो आपको लेना आता है ना, नंबरों को जमा करना है और डिवाइड करना है बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. द क्वेश्चन इज, अगर यही मार्क्स वेबसाइट पे पड़े हों, व्हाट वुड यू डू टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज? क्या आप स्क्रॉल करेंगे और एक एक करके पहले नंबर्स को गिनेंगे कितने नंबर हो गए, और वो स्क्रॉल करते करते शायद दूसरे दिन तक आप अखीर पे पहुँचे हों, बीच में टेलीफोन आ गया, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, आपकी गिनती भूल गई. आई मीन जस्ट डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड देन गोइंग एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज will be tedious, if not to say error prone. But ये एक contrived example है, but for the moment it will do. So कैसे किया जाए? एक तरीका, और ये किताब में भी अच्छी तरह explain किया हुआ है, वो ये है कि जी जो data हम input करते हैं ना, उसी में एक ख़ास value input कर दी जाए जो कि बता दे कि जी loop यहाँ ख़त्म कर दो. So for example, अगर आपके grades हैं तो आपको पता है कि जी number जो लिए हमने mid term में वो नेगेटिव नहीं हो सकते. अगर किसी ने बहुत कोशिश की और कहा जी मैं ज़ीरो ही लेके छोड़ूंगा, तो ज़ीरो तो उसको मिल गया होगा, बट माइनस वन नहीं मिला होगा. सो यू कैन यूज़ अ स्पेशल वैल्यू, ठीक है, टू टर्मिनेट अ लूप. सो इन दिस केस व्हाट वुड वी डू? वी वुड डू समथिंग लाइक कि जी एक वेरिएबल रख लें सम का, इंट सम, और एक वेरिएबल रख लें लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो वी से समथिंग लाइक इंट नंबर या इंट स्टूडेंट्स. उसके बाद आप लूप में दाखिल हो जाएं, ठीक है ना. लेट्स अगेन एस्यूम कि जी हम डू वाइल लूप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि कम से कम एक स्टूडेंट तो हो जिसका हम एवरेज निकालना चाहें. तो हम कहेंगे डू. लूप के अंदर आप क्या करते हैं, एक किसी वेरिएबल में पहले ग्रेड हासिल किया, लेट्स से सी इन इंटू ग्रेड, और वो ग्रेड जो है उसको सम में जमा कर दें. Using a new shorthand operator, you would say sum plus equals grade. We also need to increment the number of students. तो अगर ऊपर students जो है उसको initialize किया हुआ था zero, तो loop के अंदर आप कहेंगे students equals student plus one, which again using our new shorthand operators we could use students plus plus. ठीक है, अब आ गया loop का ख़त्म, यहाँ पर आ गया while. तो while में क्या किया जाए? वाइल के अंदर या तो आप टेस्ट लगाएं कि जी ग्रेड क्या एंटर किया गया था. अगर आप यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं कि जी वाइल ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो ये काम कर जाएगी जो अभी मैंने लूप आपको डिस्क्राइब की है. क्या ख्याल है? देयर इज़ अ सटल लॉजिकल फ्लॉ इन देयर. मसला ये है कि जी ग्रेड को पहले हमने सम में जमा कर दिया है और फिर जाके टेस्ट किया है कि कहीं वो माइनस वन तो नहीं था. सो आई वॉन्ट डिस्कस दिस प्रॉब्लम फर्दर,
थिंक ऑफ हाउ यू वुड राइट अ लूप दैट वुड टर्मिनेट जब ग्रेड जो है वो माइनस वन एंटर किया हो, लेकिन ग्रेड को वो सम के अंदर जमा ना करे और ना ही वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीमेंट करे, क्योंकि माइनस वन किसी का ग्रेड नहीं है। वहाँ पे लूप टर्मिनेट करें। जब आप लूप से बाहर आएं, तो उस वक्त आपने कहना है एवरेज इक्वल्स सम डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, और फिर एवरेज को प्रिंट कर देना है। सो सी हाउ यू वुड डू दिस एंड परहैप्स डिस्कस दिस ऑन द डिस्कशन बोर्ड। ट्राई टू फाइंड एन एफिशिएंट एंड एलिगेंट मतलब सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ओके, बोथ थिंग्स आर नाइस टू हैव। एफिशिएंट भी हो, मुफ्त के चक्कर ना लग रहे हों, और एलिगेंट भी हो, समझ भी आए और थोड़ी सी खूबसूरती कोई एलिगेंस बीच में हो कोड के जो आप लिख रहे हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मल्टी वे डिसीजन का, और ये ग्रेड से अच्छी उसकी गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सकता है। मल्टी वे डिसीजन कब आता है? देखिए, हर दफ़ा हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी, नॉट जस्ट वन कंडीशन। कई दफ़ा ये होता है कि जी देर आर सेवरल कंडीशंस, जिनके हर कंडीशन के लिए आपने कोई मुख्तलिफ एक्शन लेना है। अगर पेरोल का एग्जांपल ले लें तो जी अगर 1000 रुपए से कम तनख्वाह है तो उसका कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा, 1000 से 10000 तक कोई इनकम टैक्स काटना है, 10000 से 20000 तक कोई एक्स्ट्रा टैक्स उसके ऊपर लगाना है, उससे ऊपर कुछ और करना है। सो कई कैटेगरीज हो सकती हैं। आपके ग्रेड्स को ले लें, अगर हम कहें कि जी हर ग्रेड की डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी है और लूप हम चला रहे हों स्टूडेंट ग्रेड्स के ऊपर, तो जिसका ए आया है हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक्सलेंट लिखा जाए, जहाँ बी आया है हम लिखें वेरी गुड, जहाँ सी आया है हम लिखें गुड लिख देते हैं, जहाँ डी आया है वहाँ लिखते हैं पुअर। ई ग्रेड कोई नहीं है लेता, अदरवाइज यू माइट हैव इंट्रोड्यूस्ड कि जी ई भी एक्सलेंट के लिए है, ई कोई ग्रेड नहीं है हमारे पास। एफ़ फेल। सो अगेन हमारे पास ए बी सी डी और एफ़ 5 मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं जिनकी अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन है। अब प्रोग्राम के अंदर अगर ये डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो हम कैसे लिखें? एक तो टूल हमारे पास है, वो है डिसीजन। सो यू कैन ऑलवेज राइट इफ़ ग्रेड इक्वल्स और इक्वल्स डबल इक्वल इस्तेमाल होगा ये कंपैरिजन ऑपरेटर में, और फिर सिंगल कोट्स के अंदर ए। तो इफ़ ग्रेड इक्वल्स ए सी आउट एक्सलेंट, इफ़ ख़त्म हो गया, नया इफ़ लिखें। If grade equals B, see out very good. ये भी if ख़त्म हो गया, एंड सो ऑन। सो अगर हमारे पास 5 चीज़ें टेस्ट करने वाली हैं तो 5 मुख्तलिफ if स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। लॉजिकली दे आर करेक्ट, बट कैन वी डू थिंग्स अ लिटल बेटर? ये मैं आपको बताता चलता हूँ कि जी if स्टेटमेंट जो है कंप्यूटेशनली इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेटमेंट्स दैट यू कैन हैव इन द कंप्यूटर इन योर प्रोग्राम। वट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जी इफ को एक्सिक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को कई साइकिल्स में से गुजरना पड़ता है बिफोर अ सिंगल डिसीजन कैन बी इवेल्यूएटेड। सो अगर आपने अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना है, चाहते हैं कि वो तेज़ चले, जल्दी काम करे, और ये वही बात हो रही है, अब हम बड़े प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो आप परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन में जब जाएंगे यू विल लर्न कि जी जितने कम इफ होंगे उतना तेज़ प्रोग्राम चलता है। और भी बड़े टोटके आपको मैं बताता चलूँगा, बट इफ़ इज़ एन एक्सपेंसिव स्टेटमेंट। सो अगर हमने 5 चीज़ों का टेस्ट करना है जिनमें से आंसर सिर्फ एक चीज़ का ही होगा, या ग्रेड ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या एफ होगा, ये नहीं है कि किसी का ग्रेड ए भी हो और सी भी हो। सो 5 टेस्ट लगाना जो है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज एक का आंसर ट्रू आएगा और 4 का फॉल्स आएगा। सो वॉट कैन वी डू? वेल, यू रिमेंबर कि आपके पास इफ़ एल्स भी है, सो यू कुड ऑलवेज राइट इट इज इफ़ ग्रेड इक्वल्स ए सी आउट एक्सलेंट एल्स। एल्स के अंदर क्या लिखा जाए? वेल, आई मेंशनड अर्लियर कि जी नेस्टेड इफ़ तो हो सकता है, यू कैन ऑलवेज राइट अनदर इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड द अदर इफ़। सो एल्स के बाद हम लिखते हैं इफ़ ग्रेड इक्वल्स बी सी आउट वेरी गुड। अब क्या करें? वेल, नेस्ट फर्दर एल्स इफ़ ग्रेड इक्वल्स डी सी आउट गुड, और सी के लिए गुड, डी के लिए पुअर, एंड सो ऑन। दो थोड़े से मसले आ रहे हैं, बट दीज आर स्टाइलिस्टिक इश्यूज़। एक मैंने कहा कि जी इफ़ के बाद आपको इंडेंट करना चाहिए ताकि नज़र आए कि जी इफ़ किस चीज़ पे एक्ट कर रहा है। सो अगर आप इस तरह नेस्ट करेंगे
तो आपकी इंडेंटेशन चौथे पांचवें छठे लेवल पे पहुंची होगी, स्क्रीन के भी साइड पे आपको राइट लेफ्ट स्क्रॉल करना पड़ रहा होगा. बट देर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट विच इज़ एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स, बट अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग. सो इफ यू वर टू राइट इफ ग्रेड इक्वल्स ए सी आउट एक्सेलेंट एल्स इफ ग्रेड इक्वल्स बी. अब किया क्या है कि जी एल्स के साथ स्पेस छोड़ के इफ ग्रेड इक्वल्स बी लिख दिया है. प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि नया इफ जो है, जो बी वाला इफ है, ये इस एल्स के अंदर है, लेकिन लिखते वक्त ये सेम इंडेंटेशन लेवल पे लिखा गया. सो अब लिखना आसान हो जाता है और आपको ब्लॉक जो नज़र आएगा वो आएगा इफ दिस थिंग एल्स इफ दिस थिंग. एल्स इफ के दरमियान स्पेस है, दे आर टू डिफरेंट कीवर्ड्स, और फिर एल्स इफ दिस थिंग एल्स इफ दिस थिंग, और अखीर पे एक सिंगल एल्स फलाना. सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए ये काफ़ी है. अगर हर इफ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों देन रिमेंबर टू यूज ब्रेसेस एंड मेक श्योर दैट द ब्रेसेस मैच. वेन एवर यू यूजिंग ब्रेसेस देन इट इज़ बेटर टू गो टू द इंडेंटेशन स्टाइल ताकि आपको ब्लॉक्स नज़र आते जाएँ. ओके, सो टू अप्रोचेज वी हैव कवर्ड फॉर द मल्टी वे डिसीजन. द फर्स्ट वन इज using as many ifs as are necessary, but I said that is expensive. The second one was using nested ifs, ke if ke baad else dalo aur else ke andar ek aur if shuru kar diya. Ye pehle wali approach se zara sa zyada efficient hai, kyunki agar pehla hissa true ho gaya to else execute nahi hoga, ab if pure bade wale if se bahar aa jayenge. So it is more efficient. But do we have a construct, a separate standalone construct to handle these instances? And the answer is obvious, yes we do. The construct that we use is called the switch statement, switch. So it's the switch statement. Switch jo hai wo bhi C mein provide kiya gaya hai practically for these purposes, taaki kuch code jo hai wo efficiently likha ja sake ya aasan ho jaye, and in a way it is very very readable. स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसके आप लिखते हैं स्विच आगे पैरेंथेसिस के अंदर किसी वेरिएबल का नाम, ठीक है ना, कि जी इस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा. उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं. उसके बाद जो हमने इफ के अंदर लिखना था, ग्रेड इक्वल्स ए ग्रेड इक्वल्स बी एट्सेट्रा, वो यहाँ पे आप केस के तौर पे लिखते हैं. सो यू वुड राइट केस लेट्स से विद इन सिंगल कोट्स ए, फिर आगे कोलन डालते हैं. सो केस ए, अब जो केस ए के लिए काम करना है वो नई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो हर स्टेटमेंट सेमी कोलन के साथ एंड करेगी, और उसके बाद आप दूसरी लाइन पे चले जाते हैं वापस इंडेंट करके केस बी, और फिर उसकी स्टेटमेंट्स, फिर केस सी. हर केस जो है उसके बाद आपने कोई वैल्यू दी, ये वैल्यू किसके साथ कंपेयर हो रही होगी, जो स्विच में वेरिएबल दिया था. सो इन आर ग्रेड्स एग्जाम्पल यू वुड राइट स्विच ग्रेड, फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद केस ए विद इन सिंगल कोट्स कोलन, और उसके बाद आ जाएगा सी आउट एक्सलेंट, केस बी सी आउट वेरी गुड, एंड सो ऑन टिल यू कम टू द एंड ऑफ द स्विच. और कोई केसेस नहीं बचते, कर्ली ब्रेसेस डालें, स्विच का ब्लॉक कंप्लीट हो गया. लेकिन ये एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर दो तीन चीज़ें ख्याल रखना लाजमी है. इन चीज़ों के अंदर स्विच के लिए पहला मसला ये आता है कि जी लेट्स से ये ग्रेड्स वाला एग्जांपल हम लेके आगे चलते हैं कि जी यूज़र ने छोटा ए डाला है या बड़ा ए डाला है, तो क्या करें, शुड वी हैव डिफरेंट केसेस? क्योंकि रिमेंबर सी इज़ केस सेंसिटिव, सो वो छोटे ए को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द कैपिटल ए, एंड दे आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. वन इज़ टाइप्ड विदाउट प्रेसिंग द शिफ्ट ऑन द कीबोर्ड एंड द अदर वन इज़ टाइप्ड बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट बटन एंड देन टाइपिंग ए. आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग से याद होगा कि जितने हमारे कीबोर्ड के कैरेक्टर्स हैं इनकी कंप्यूटर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं. सो देयर इज़ एन ASCII कैरेक्टर सेट, किताब के अपेंडिक्स में भी आपको मिल जाएगा. सो हर कैरेक्टर की अपनी वैल्यू है इनसाइड द कंप्यूटर. छोटे ए की और वैल्यू है, कैपिटल ए की और वैल्यू है. हम क्या चाहते हैं कि जी यूज़र, यू नो, वी वांट टू मेक द प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली. सो हम कहते हैं कि जी यूज़र पे ये ना डालें कि ना कैपिटल ए डाला तो मैं बताऊंगा एक्सेलेंट, और छोटा डाल दिया तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है.
So what you would want to do is have two things. You would want to have capital A भी handle हो रहा हो, छोटा A भी handle हो रहा हो. अब switch statement की कुछ limitations आने लगी हैं. हम ये नहीं कह सकते case capital A or A. No. You have to make these two separate cases. So you have to say case capital A colon. But फ़ायदा क्या है? Next line आप लिखेंगे case within single quotes छोटा a colon और फिर उसके बाद जो भी करना है. What the switch statement does is that the cases fall through. जो भी पहला केस करेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एक्सिक्यूट होती जाएंगी राइट डाउन टू द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. यू हैव टू नो दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. होता क्या है, सपोज आपने बी ग्रेड एंटर किया, व्हाट हैपेंस इज ए वाला केस तो स्किप हो गया, केस बी वाला आया, आपने कर दिया सी आउट, वेरी गुड. लेकिन फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड बाकी तमाम स्टेटमेंट स्विच की एक्सिक्यूट हो जाएंगी. सो अब आएगा सी आउट गुड, फिर आएगा सी आउट पुअर, फिर आएगा सी आउट फेल, ये सब प्रिंट हो जाएंगे. वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. वॉट वी नीड टू डू इज़ कि जब एक केस जो है वो कवर हो जाए तो छलांग मार के किसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाया जाए. उसके लिए जो एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो है ब्रेक. सो बी आर ई ए के सेमीकोलन. ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये पहली दफ़ा हमने एक ऐसी स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की है जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को इंटरप्ट करती है. नाम भी सही है, ब्रेक. ठीक है, अब इसको आपको अप्लाई ज़रा सा रिलीजियसली करना पड़ेगा. मसला ये है कि जी मैंने कहा कि जी स्विच स्टेटमेंट में जब आप दाखिल होते हैं तो जो पहला ट्रू केस है वो वाला एक्सिक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद एक्सिक्यूशन चलती ही जाएगी जब तक स्विच ख़त्म नहीं होता. सो एक आदत बना लें कि जी हर केस के लिए जो भी एक्सिक्यूट करना है एक्शन, उसके बाद ब्रेक लिख दिया जाए. तो होगा क्या कि जी करेक्ट केस ढूंढा जाएगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर से, उस केस का जो बॉडी है, जो स्टेटमेंट्स उसके अंदर दी हुई हैं वो एक्सिक्यूट होंगी, और उसके बाद ब्रेक एनकाउंटर होगा, आप जंप करके बाहर आ जाएंगे. जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जी केस कैपिटल ए और केस लोअर केस ए, ये एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़िकली इसको इसके अगेंस्ट है कि जी हम दोनों चीज़ों के लिए एक ही काम करना चाहते हैं, तो इनके दरमियान में ब्रेक नहीं आएगा. ये स्टेटमेंट्स इकट्ठी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन करके आप लिख देते हैं, उसके बाद जो भी कॉमन एक्शंस देने हैं, इन दिस केस सी आउट एक्सलेंट, वो दे के आप कहते हैं ब्रेक. सो फिर स्विच के बाहर आ जाते हैं. So it is a good idea for every case paragraph inside the switch statement to be ended with a break. क्या सारे जो possibilities हैं वो हर case के अंदर handle हो जाती हैं? For example, यही grades का example ले लें कि जी हम कह रहे हैं कि जी A B C D and F. What happens if the user insists कि जी मैंने Z ही enter करना है? भी Z तो कोई case नहीं है. सो उसके लिए बेहतर यह है कि जी उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया जाए. दिस इज अगेन पार्ट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट हैंडल ऑल पॉसिबल इनपुट्स. उसके लिए स्विच स्टेटमेंट जो है आपको एक डिफॉल्ट पैराग्राफ देती है. सो नॉर्मली ऊपर हम सारी चीज़ें जो एक्चुअली अकर करनी है उनके लिए केस स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और अखीर पे लिखते हैं डिफॉल्ट, डी ई एफ ए यू एल टी कोलन, और उसके बाद आप कुछ और एक्शन लेना चाहें. इन दिस केस यू वुड से समथिंग लाइक please enter grades from A to D or F, like a polite statement, rather than being rude and saying, you know, you've entered a nonsense grade. Please make sure you know how to make, you know, do data entry. Let's be polite. So, उस तरह की चीज़ लिख के फिर हम switch statement को complete करते हैं. Going back, remember, switch statement is optional. ये multiple if statement के साथ या if else के nesting के साथ यही काम अचीव हो सकता है. But sometimes ये naturally fall करता है कि जी problem ऐसा है कि अगर इस पर switch statement लिख दें तो ज़्यादा elegant नज़र आएगा. इस वास्ते ये अपनी जगह पे ढला हुआ है. यहाँ पे हमने एक नई statement, एक नया keyword introduce कर दिया, वो है break का. ब्रेक के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में और बात करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ स्विच के अंदर नहीं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकता है.
For the moment, let us look at the flowchart representation of the switch statement, and also let us look at some of the limitations कि switch कब इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले तो इसका flowchart वो simple है, बिल्कुल if के flowchart के उसकी तरह बनाया जाता है. हम ऊपर से line लाते हैं, एक diamond बनाते हैं, उसके अंदर आप लिख देंगे switch grade इस example के लिए. उसके बाद सीधी नीचे line निकाल दें. ये जो वर्टिकल लाइन नीचे निकल रही है, इससे राइट को, एज विद आर ऑलवेज लेफ्ट टू राइट इंडेंटेशन, आप लाइनें निकालेंगे. लाइन निकाली, नीचे लाए, उसके अंदर रेक्टेंगल बनाया, जो भी उसके अंदर करना है, डिस्प्ले एक्सलेंट, ठीक है ना, और वो लाइन वापस वर्टिकल लाइन के साथ जोड़ दी. लेकिन जो ऊपर से लाइन निकाली थी, वहाँ पर आप लिख दें केस ए, ठीक है ना. इसी तरह आप राइट को, एक लेवल राइट को रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, केस बी, केस सी, केस डी, केस एफ, डिफॉल्ट. ऊपर से लेके नीचे तक जो वर्टिकल लाइन गई है वो स्विच स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, और नीचे वाला सबसे जो है वो स्विच स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट है. एंड द रीडिंग वुड बी कि जी ये जो मल्टी वे डिसीजन, हमने एक डायमंड तो बनाया जिसमें लिखा है स्विच ग्रेड, उस डिसीजन की वजह से एक ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, ज़्यादा नहीं होंगे. दिस ऑफ कोर्स इम्प्लाइज कि आपने हर ब्लॉक के साथ ब्रेक लिखा है, अदरवाइज द रिप्रेजेंटेशन डज नॉट कन्फर्म. सो द नाइस थिंग अगेन इज दैट आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फ्लो चार्टिंग फॉर्म एक्चुअली गोज वन टू वन विद द कोड दैट वी राइट फॉर द स्विच स्टेटमेंट. अब ज़रा इसको देख लेते हैं कि इस पर लिमिटेशंस क्या हैं. देखिए, इस स्टेटमेंट जो थी ना, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट थी, उसके अंदर आप बड़ी गंभीर किस्म की एक कंपाउंड एक्सप्रेशन डाल सकते थे. यू कुड हैव सेड इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 2335.09 डू समथिंग. स्विच स्टेटमेंट कैन ओनली वर्क विद इंटीग्रल डेटा. व्हेन आई से इंटीग्रल, इट मीन इंटीजर्स, ओके, होल नंबर्स. होल नंबर्स के लिए हमारे पास शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये तीनों वेरिएंट्स हैं. लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल किया है उसमें तो हम कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे. क्यों? कोई चीज़ याद आई? अभी मैंने बात की थी कि कैरेक्टर्स की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ASCII अगर सेट ले लें तो एक बाइट के अंदर हो रही है. दैट मीन्स कैरेक्टर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज होल नंबर्स इन साइड द कंप्यूटर. सो सी का स्विच स्टेटमेंट जो है कैन डील विद इंटीजर्स और कैरेक्टर्स. जो स्विच के केस स्टेटमेंट्स हैं, केस स्टेटमेंट्स के अंदर वी मस्ट पुट कॉन्स्टेंट्स. वी हैव टू से केस ए, केस 300, केस एफ, इस तरह की चीज़ें लिखी जा सकती हैं. केस 100.5 नहीं लिखा जा सकता बिकॉज इट डील्स विद इंटीजर डेटा. सो इंटीजर डेटा के साथ ये सिर्फ काम करता है और कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं, बाकी चीज़ों के साथ नहीं. आप ये नहीं कह सकते स्विच ग्रेड एंड समथिंग एल्स. यू कांट डू केस ए और बी. यू कांट डू कंपाउंड थिंग्स. यू कैन डू ओनली वेरी सिंपल थिंग्स. बट इट्स अ नाइस स्ट्रक्चर, इट्स अ नाइस स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्ट्रक्ट जिसका फ्लो चार्ट भी हमने बना लिया. और अभी जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें भी ये एग्जैक्टली फिट होगा. अब अगर हम बात करें कि जी ये ब्रेक स्टेटमेंट, इसका और कोई इस्तेमाल है कि नहीं. अभी तक हम जो प्रोग्राम्स कर रहे थे लूप्स के तौर पे, ख़ास तौर पे, उसके अंदर आपने देखा कि जी जब लूप चलाते थे तो हमेशा हमें कोई कंडीशन वायलेट करनी पड़ती थी टू एंड द लूप. कि जी कहीं पे कोई चीज़ फॉल्स हो जाए, या ट्राइनम 5 से बड़ा हो जाए, या काउंटर जो है 10 से बड़ा हो जाए, तो तब लूप से बाहर निकलना है. और याद होगा आपने वो गेसिंग गेम वाला एग्जांपल हमने एक किया था जिसमें हमें ख़ास तौर पे सोचना पड़ा था कि जी अगर यूज़र ने करेक्ट गेस कर दिया है जो कैरेक्टर हमने छुपाया हुआ है तो अब लूप से कैसे निकला जाए. तो हमने कोई ट्राइनम की वैल्यू एक्सीड करा दी थी ताकि वाइल की कंडीशन वायलेट हो जाए. ऐसी सिचुएशंस के अंदर ब्रेक भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सो इफ़ यू थिंक बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम जहाँ पे कंप्यूटर को हमने कहा था कि जी एक कैरेक्टर छुपा लो और यूज़र कीबोर्ड से गेस करेगा, तो वहाँ पे एक तो आपने लूप चला दी जिसमें कहा कि जी जब तक नंबर ऑफ ट्राइज जो है वो 5 नहीं हो जाती तो यूज़र से गेस लेते रहो.
लेकिन अगर यूज़र ने करेक्ट गेस कर दिया तो वी कुड हैव रिटन वेरी सिंपली इफ सी लेट्स से गेस वो जेड को कर रहे हैं इफ द कैरेक्टर वेरिएबल सी इक्वल्स सिंगल कोट्स जेड सी आउट ग्रेट यू हैव मेड द करेक्ट गेस ब्रेक. यहाँ पे ब्रेक डालने से क्या होता है जो क्लोजेस्ट उसके लूप होती है फॉर लूप हो वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो इनर मोस्ट लूप वो एकदम एग्जिट हो जाती है बगैर कुछ किए यानी द कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. सो ब्रेक कैन बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द लूप वेरी क्विकली. देर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू ब्रेक एंड ऑल्सो रिलेट्स टू लूप्स. ये स्टेटमेंट जो है ये है कॉन्टिन्यू की स्टेटमेंट. कई दफ़ा ये होता है कि जी एक लूप की बॉडी में हमने इतना सारा कोड लिखा हुआ है पहले वाला हिस्सा जो है वो तो कॉमन है वो तो हर दफ़ा एक्सिक्यूट करना है लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो सर्टन केसेस में एक्सिक्यूट करना है सर्टन केसेस में नहीं एक्सिक्यूट करना लेकिन लूप फिर भी चलानी है. ऐसी केसेस के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है विच इज कॉन्टिन्यू. ब्रेक भी अकेला लाइन पे लिखा जाता है विद अ सेमीकोलन कॉन्टिन्यू भी जो है वो अकेला लाइन पे लिखा जाता है विद अ सेमीकोलन. कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है वो करता यह है कि जी इट फोर्सेस द इमीडिएट नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इट फोर्सेस द लूप टू गो टू द नेक्स्ट राउंड. सो कॉन्टिन्यू जंप्स जो भी बाकी स्टेटमेंट लूप की बॉडी के अंदर हैं उनको एक्सिक्यूट नहीं करता. अगर ऊपर कॉन्टिन्यू आ गया कहीं पे तो वहाँ से जंप करके लूप फिर से शुरू हो जाएगी. अब थोड़ी सी सटलटीज इसके अंदर आती हैं. अगर आप वाइल लूप को ले लें तो वाइल लूप के अंदर आपको याद है कि हम लूप की बॉडी के अंदर ये अरेंज करते हैं कि जी वो जो कंडीशन टेस्ट हो रही है वो किसी तरह से चेंज हो सके ताकि वाइल लूप कभी ना कभी टर्मिनेट भी हो जाए. वी डोंट वांट इनफिनिट लूप्स इन आवर प्रोग्राम्स. जब ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करनी है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ द लॉजिक कि जी लूप वेरिएबल जो है या लूप काउंटर जो है जिस पे कंडीशन डिपेंड कर रही है उसको चेंज पहले कर लिया है कि नहीं किया. ओके बी केयरफुल ऑफ दैट. सेम अप्लाइज टू डू वाइल. लेकिन फॉर के अंदर एक थोड़ी सी डबल ट्रिक है. जब वाइल के अंदर कॉन्टिन्यू आता है तो इमीडिएटली ऊपर जाके वाइल का टेस्ट एक्सिक्यूट हो जाता है. सो इफ यू सेड इनसाइड अ वाइल लूप यू सेड कॉन्टिन्यू एंड द लूप वही थी वाइल ट्राइनम लेस देन इक्वल टू 5 तो इमीडिएटली टेस्ट होता है इज ट्राइनम लेस देन इक्वल टू 5 इफ सो लूप फिर से शुरू हो जाती है इफ नॉट लूप एग्जिट हो जाएगी. फॉर लूप के अंदर क्योंकि ये तीनों चीज़ें फॉर की स्टेटमेंट के अंदर हमने डाली हुई थी हमने डाला था फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट काउंटर इक्वल टू 0 सेमीकोलन फिर हमने टेस्ट डाला हुआ था काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन और फिर डाला हुआ था कि करना क्या है काउंटर प्लस प्लस. अब इस फॉर लूप में अगर कंटिन्यू की स्टेटमेंट आई तो सबसे पहले काउंटर प्लस प्लस होगा फिर लूप का टेस्ट चलेगा. यानी वी हैव इन अ वे अ बिल्ट इन मैकेनिज्म दैट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन बट बाय डेफिनेशन इन अ फॉर लूप द नेक्स्ट इटरेशन मीन्स कि जो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो हो जाएगा और फिर लूप का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा. वाइल स्टेटमेंट में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोड करें कि जी लूप टेस्ट को किसी तरह से अफेक्ट करना है कि नहीं करना. फॉर लूप के अंदर कॉन्टिन्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को फोर्स कर देगा. अब हमने इन अ वे बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स जो सी और सी प्लस प्लस हमें प्रोवाइड करती हैं वो कवर कर ली हैं. देखिए हमने क्या कुछ कवर किया. हमने सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स सिंपल स्टेटमेंट्स पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना वो कवर कर लिया सीक्वेंसेस. उसके बाद हमने डिसीजंस कवर किए जिसमें हमने पहले इफ़ देखा फिर इफ़ एल्स देखा. उसके बाद हमने उसी का आखिरी हिस्सा जो था वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर मल्टी वे डिसीजन कवर किया. सो सीक्वेंसेस एंड डिसीजंस. द थर्ड वैरायटी इज़ लूप्स यानी रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स. उसके अंदर हमने वाइल लूप डू वाइल लूप और फॉर लूप्स कवर किए. कुछ अर्सा पहले दो रिसर्चर्स बोम एंड जैकोपिनी इन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट रिसर्च के बाद इन्होंने की अबाउट प्रोग्रामिंग.
इन्होंने कहा कि जी कोई भी प्रोग्राम हो वो सिर्फ तीन कंस्ट्रक्ट्स की मदद से लिखा जा सकता है। वो कंस्ट्रक्ट हैं सीक्वेंसेस, हमें पता है, एक दूसरी तीसरी स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द अदर, डिसीजन स्ट्रक्चर्स विच मीन्स इफ या इफ एल्स, एंड लूप्स विच इज़ रेपिटेशन। इन तीन की मदद से कोई भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, पर हमने की ही ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली। सो व्हाट स्ट्रेंज अबाउट दैट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट इट एंड टू कंप्लीट द पिक्चर अबाउट प्रोग्रामिंग, वी हैव टू स्टेप बैक अ लिटिल बिट इनटू द हिस्ट्री कि ये प्रोग्रामिंग कहाँ से आ रही है। जब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में कुछ लैंग्वेजेस चल रही थी, फोरट्रान है, कोबोल वगैरह, इनके अंदर एक स्टेटमेंट होती थी, वो थी गो टू स्टेटमेंट, GOTO, वहाँ चले जाओ। दिस इज़ एन अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एक्सिक्यूशन, यानी इसके साथ इफ़ वगैरह नहीं है, आप अकेला लिख सकते हैं कि गो टू फलानी स्टेटमेंट। जो कोड इन गो टूज़ के साथ लिखा गया, उस कोड को समझना बहुत ही मुश्किल है, और वो मैं वही बात कर रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स की नहीं, बड़े प्रोग्राम्स के अंदर जब भी कोई अनकंडीशनल ब्रांच ऑफ एक्सिक्यूशन आती है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जी ये पता करना कि जी हम किस रास्ते से यहाँ पे आए हैं। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि जी यूँ आए हैं, इधर से आए हैं, ये यहाँ से छलांग मार के यहाँ पे आए हैं। ट्रेसिंग अ प्रोग्राम, डिबगिंग इट, अभी तो ये सिर्फ ट्रेसिंग और डिबगिंग की बात हो रही है, मॉडिफिकेशन की बात आए तो हार्ट अटैक हो जाता है प्रोग्रामर्स को अगर गो टू वाले प्रोग्राम्स आ जाएं। वो कोड जो था उसको हम ट्रेडिशनली स्पेगेटी कोड कहते थे, सवैयाँ होती हैं, स्पेगेटी होती है, वो गुंजल पड़े होते हैं आपस में, उनको तो सीधा करना ही मुश्किल है, किसी सिरे को पकड़ के आगे चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेयर इट इज़ गोइंग, दैट वॉज ऑल स्पेगेटी कोड। अब बुरी बात, सी या सी प्लस प्लस के अंदर गो टू स्टेटमेंट है, मैंने नहीं आपको बताया, सो आई विल नॉट बी कोटेड, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ देयर फॉर कम्प्लीटनेस बट इट्स यूज़ इज़ फ्राउंड अपॉन, यानी ना इस्तेमाल करें इसको। सो वी विल नॉट टॉक मोर अबाउट इट अदर देन टू गो बैक टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट बाय सेइंग यदि कोई भी प्रोग्राम हो वो आप सीक्वेंसेस, डिसीजंस और लूप्स के साथ लिख सकते हैं। सो देर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग अ गो टू इन अ प्रोग्राम। जब आप ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि सीक्वेंसेस, डिसीजंस एंड लूप्स के साथ होती है, तो आपका जो थ्रेड है यानी द पाथ थ्रू द प्रोग्राम, किस रास्ते से आपका प्रोग्राम चला, वो कभी भी छलांगे नहीं मारता, ठीक है ना। यूँ नहीं होता कि यहाँ आके गो टू से आप कहीं वापस ऊपर चले गए हैं और फिर चक्कर लगाते लगाते आए हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स वेरी ईजी टू ट्रेस, यू कैन ऑलवेज से कि जी अगर यहाँ से आए हैं तो या पाथ ए से गुजरे हैं या पाथ बी से गुजरे हैं, एंड ऑफ स्टोरी, कोई मतलब किस्म का फोर्स्ड एग्जिट जो है ना वो कहीं से नहीं हुई हुई, या अनकंडीशनल गो टू जिसको कहते हैं। इसी कंडीशन को सामने रखते हुए आई वुड लाइक टू मेक अनदर स्टेटमेंट। इन जनरल वेर एवर पॉसिबल यू शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ ब्रेक इन योर लूप्स, स्विच स्टेटमेंट में नहीं, स्विच स्टेटमेंट में तो लाजमी है कि आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज कोई ना कोई लॉजिकल एरर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप लूप लिख रहे हों, कोशिश ये करें कि वो कंडीशन टेस्ट के साथ आपकी लूप चल जाए, ब्रेक लगाने की ज़रूरत ना पेश आए। सेम अप्लाइज फॉर कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या कर रहा है, हमने बात की थी कि जी लूप की आधी स्टेटमेंट्स जो हैं बॉडी की वो एक्सिक्यूट होगी और कुछ को हम कहें कि जी अभी नहीं इस्तेमाल करना या एक्सिक्यूट करना, तो वहाँ इफ लगा दें। देर इज़ नो रियल रीज़न कि जी आप कोई कॉन्टिन्यू या ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हों, सो बी केयरफुल ऑफ दैट। गो टू हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ब्रेक और कॉन्टिन्यू ऑल्सो विद इन लूप्स आई वुड लाइक टू से मिनिमाइज इट्स यूजेज बिकॉज इट विल मेक योर प्रोग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड इवन फॉर योर सेल्फ, स्पेशली फॉर अदर्स, एंड सर्टनली वेन यू ट्राई टू डिबग दैम और ट्रेस द एक्सिक्यूशन पाथ ऑफ योर प्रोग्राम। अब ज़रा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ गाइडलाइंस की बात करते जाते हैं। एक तो मॉड्यूलर बनाएं प्रोग्राम को। मॉड्यूलर का क्या मतलब है, वो अभी आगे जाके जब हम फंक्शंस वगैरह में घुसेंगे फिर आइडिया हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जी अगर एक बड़ा सारा प्रॉब्लम है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, हर टुकड़ा जो है वो ईजिली मैनेजेबल हो
और उन टुकड़ों के ज़रिए से आप प्रोग्राम बनाएं. सो मॉड्यूलर होना चाहिए. उसके बाद हर मॉड्यूल या हर कंस्ट्रक्ट वो सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होनी चाहिए. इसका क्या मतलब है? मतलब बेसिकली ये है कि जी उसके कंस्ट्रक्ट के अंदर या फंक्शन के अंदर या प्रोग्राम के हिस्से के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक ही दरवाज़ा है और निकलने के लिए भी एक ही दरवाज़ा है. देखिए, मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले आपसे बात की थी कि जी ब्रेक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्रेक इन अ वे वायलेट्स दिस प्रिंसिपल कि जी लूप ब्रेक से भी एग्जिट हो सकती है और नॉर्मल कंडीशन वायलेट होने से भी हो सकती है. सो ट्राई टू कीप इट सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट. क्या फ़ायदा क्या है इसका? रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक मिसाल लेते हैं. देखें, बस पे आपने सफ़र किया होगा और ख़ास तौर पे मैं ओमनी बस जो शहरों के अंदर चलती हैं उनकी बात कर रहा हूँ. स्टॉप पे खड़े हों और बस आके रुके तो क्या होता है? जो बाहर पैसेंजर्स खड़े हैं इंतज़ार कर रहे थे, वो छलांग मार के दरवाज़े से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और धक्कम पेल हो रही होती है कि जी कौन पहले घुसेगा. सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, अंदर जो बेचारे मुसाफिर थे जो उतरना चाह रहे थे इसी स्टॉप पे, वो भी उस दरवाज़े से उतरने की कोशिश में लगे हुए हैं. सो अ बिग रेसलिंग मैच वो हो रहा होता है दरवाज़ों के ऊपर. कितना सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि जी एक दरवाज़े पे इन लिखा हो और दूसरे दरवाज़े पे आउट लिखा हो. जिन्होंने चढ़ना है बस पे वो इन वाले दरवाज़े से चढ़ें और जो अंदर मुसाफिर हैं जो उतरना चाह रहे हैं वो आउट वाले से बाहर आ जाएं. कोई क्लैश नहीं होगा, आराम से आपकी ट्रैफिक जो है वो चलती रहेगी. बस का स्टॉप के ऊपर 5 मिनट के बजाय 2 मिनट के अंदर पूरी बस खाली होके रीलोड हो सकती है. एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड इट इज़ अ वेरी ऑर्डरली थिंग टू डू. दैट इज़ व्हाट सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट कैन डू फॉर यू. इफ़ वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल रिलीजियसली यू विल नोटिस समथिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ द स्टफ दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. वो कॉमन चीज़ ये है कि मैंने जहाँ पे भी फ्लो चार्ट बनाया किसी कंस्ट्रक्ट का, सीक्वेंस तो ठीक है ना, ऊपर से लाइन आई, चौरस डब्बे बनाते गए, उसके अंदर प्रोसेसेस लिखते गए, लेकिन फिर हम इफ़ पे आए, इफ़ एल्स पे आए, वाइल पे आए, ऑल ऑफ दीज लूप्स, यू नोटिस्ड कि ऊपर से एक लाइन चली, दरमियान में वाइल स्टेटमेंट आई, वाइल की लूप साइड पे रह गई, नीचे एक लाइन निकली कि यहाँ पे वाइल एग्जिट करेगी. जितनी भी हमने तस्वीरें बनाई वो ऊपर वाला छोटा सा पॉइंट जो है वो उसका एंट्री पॉइंट है और नीचे वाला जो उसी वर्टिकल लाइन की सीध के अंदर दूसरा पॉइंट है वो उसका एग्जिट पॉइंट है. ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रक्ट्स हैव बीन मेड एंड डिज़ाइंड इन अ सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट फैशन एंड दैट वॉज बाय डिज़ाइन. द रीज़न, इनको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं और यही स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट्स की ये कंस्ट्रक्ट जो हैं स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं. सो इफ़ वी लुक एट कि जी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की और कोई गाइडलाइंस या फ्लो चार्टिंग के अंदर हम किस तरह इसको लेके जाएं, तो वी कैन हैव अ फ्यू रूल्स. ये रूल्स जो हैं ये भी आपके अंदर किताब में दिए हुए हैं एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू गेट वेरी 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 फेमिलियर विद देम बिकॉज दे आर लाइफ सेवर्स. दीज रूल्स आर वेरी सिंपल. पहला रूल ये कहता है कि जी स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स एक स्टार्ट का सिंबल बनाएं, एक मोटा सा रेक्टेंगल बनाएं, उसमें लिख दें कि जी ये करना है, स्टॉप का सिंबल बना दें. यू कांट गेट सिंपलर देन दैट. दैट्स द सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट. देन वी स्टार्ट अप्लाइंग रूल नंबर 2 व्हिच सेज कोई भी रेक्टेंगल जो है, याद रहे कि रेक्टेंगल जो है इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस. इट कुड बी इनपुट आउटपुट और एनी प्रोसेसिंग दैट यू वॉन्ट टू डू. एनी रेक्टेंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाई 2 rectangles. Now this concept is the same as taking a more complex problem and splitting it up into 2 simpler problems. So we have split it up, we're going towards the modular approach. So start with a simple block, then any single rectangle can be replaced by 2 blocks. And now comes rule number 3. Rule number 3 ye kehta hai ki koi bhi rectangle jo hai wo hamare structured जो फ्लो चार्टिंग कंस्ट्रक्ट थे उनके साथ रिप्लेस किया जा सकता है. ये कंस्ट्रक्ट कौन से थे? डिसीजन, लूप या मल्टीवे डिसीजन या लूप के वेरिएंट्स जो हैं.
सो दैट मीन्स किसी भी रेक्टेंगल को निकाल के आप वहाँ पे इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर प्लांट कर सकते हैं. अब वो फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा कि हमारी तमाम कंस्ट्रक्शन थी उनका एक एंट्री पॉइंट था, एक एग्जिट पॉइंट था, और वो किसी रेक्टेंगल की जगह पे आप अटैच कर सकते हैं. रूल नंबर 4 इज़ इवन सिंपलर. इट सेज कि जी रूल नंबर 2 और 3 जितनी मरतबा दिल करे रिपीट कर लें. व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम इनटू सिंपलर एंड सिंपलर एंड सिंपलर यूनिट्स till such a time that each little part of the problem can be handled either by a sequence, ek rectangle, dusra rectangle, teesra rectangle, or by a decision, if ya if else ya switch, or by a loop, while, do while ya for, aur usse aapka tamam problem jo hai wo hal kiya ja sakta hai. Jab aap koi bhi serious problem lenge aur ab aap exercises karein kitab se और ये रूल्स अप्लाई करके उनके फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और फिर उनके साथ कोड लिखेंगे, आई थिंक यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द एलिगेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव ड्रॉन, बिकॉज वी हैव बीन वेरी रिलीजियस अबाउट वन थिंग. जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है स्ट्रक्चर का, वो एक लाइन में रख के बाकी तमाम चीज़ें हमने इंडेंट करके बनाई हैं. इसी को जब आप तस्वीर में जोड़ने लगेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो इंडेंटेशन एक लेवल नेस्टेड दूसरे लेवल, नेस्टेड तीसरे लेवल तक जा सकती है. डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू नेस्ट. वाइल के अंदर इफ आ गया, इफ के अंदर वाइल आ गया, सो मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंडेंटेशन आ सकती हैं. लेकिन ये इंडेंटेशन एग्जैक्टली आपके कोड के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रखती है. जो आपको फ्लो चार्ट में तस्वीर नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ कहाँ से आ रहे हैं, क्या इंडेंट हुआ है, वही कोड में आपको नज़र आना चाहिए. 99.99% of the time this will be true. It becomes very easy to identify कि इस फ्लो चार्ट के इस हिस्से के लिए हमने कोड क्या लिखा था. So very easy to debug. इसको अगर आप कंपेयर करें with the flow charts that are shown in the book, you will notice that they have a little bit of a problem. And the problem basically comes from the if structure, जहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ को branches निकाल दी हैं. Yes एक तरफ को है और no दूसरी तरफ को है. That does not happen in code. Code तो एक तरफ को indent होता है, left to right indentation हो सकती है, आप margin से left को नहीं जा सकते. So let's stay with the constructs that we have developed during this course itself, and we will call that the structured programming approach. आज के lesson में हमने क्या किया? We started with a multi-way decision, that was the switch statement. And I mentioned a few things about it. Switch statement has its own limitations. It deals only with integer data, but it is a nice construct to have whenever you want to make a multi-way decision. On the other hand, it is certainly not necessary. You can replace it with multiple if statements or if-else constructs, which are nested ifs. So it's a nice thing to have. स्विच स्टेटमेंट के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया कि जी ब्रेक का भी एक स्टेटमेंट है जो कि स्विच से एकदम बाहर निकाल देता है, और फिर ब्रेक को हमने वापस अप्लाई किया कि जी ब्रेक हम लूप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी लूप को भी एक सेकंड के अंदर हमने टर्मिनेट करना हो कि जी आगे ना चले, यहाँ से बाहर आ जाए, तो ब्रेक इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन मैंने आपको ये भी एक गाइडलाइन दी कि जी ब्रेक कम से कम ही इस्तेमाल करें लूप्स के अंदर. ब्रेक के साथ लूप कंट्रोल के अंदर एक कंटिन्यू की स्टेटमेंट थी जो कि फोर्स कर देती है इमीडिएट नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. बट अगेन बेस्ड ऑन गुड ओल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप डिसीजंस इस्तेमाल कर लें, इफ एल्स इस्तेमाल कर लें लूप के अंदर बजाय ब्रेक और कंटिन्यू डालने के. वहाँ से हम आगे चले ये ब्रेक और कंटिन्यू लूप्स पे अप्लाई करते हुए, देन वी केम टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस, और उसके अंदर बोम एंड जैकोबिनी की हमने स्टेटमेंट को एनालाइज किया और देखा कि वो हमें किधर को ले जाती है. कुछ मैंने आपको सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट के बारे में बताया, और फिर बताया कि जी हम किस तरह एक प्रोग्राम पकड़ के उसके सिंपलर और सिंपलर पीसेस करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट भी डिवेलप कर सकते हैं, और फिर उससे कोड लिखना जो है वो बिल्कुल आसान है. अब बेसिकली हमारा जो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था
वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास एक टूल किट बन गई है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इनके अंदर अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हम तो आपको असाइनमेंट्स देते ही जा रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन ये असाइनमेंट्स काफ़ी नहीं हैं। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज दैट आर गिवन इन द बुक, ट्राई टू रीड दोज एग्जाम्पल्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएवर यूड लाइक टू डिस्कस देम, you have the two forums available, you have the discussion boards, and you have email for this course. Please do write if you have a specific question. If there's a topic of interest that you would like to discuss, go to the discussion board and discuss it. Lekin chup karke mat baithein, bahut sara code likhein, itna likhein ki yahan pe is hisse tak aapko complete rawani aa jaye, kahin pe aap hesitate na karein. Agar main keh dun ki ji mujhe odd numbers ka sum chahiye, या अगर मैं कह दूं कि जी प्रोग्राम लिखो कि जी क्लास के अंदर कितने ए ग्रेड्स आए हैं, कितने बी आए हैं, कितने सी आए हैं, यू हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेस। बुक के अंदर कई बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए, और पढ़ें और एग्जांपल्स देखें, एक दूसरे का कोड देखें, अपने अपने स्टाइल्स डिवेलप करें, क्योंकि अब इससे आगे जो हम चलेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू थिंग्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स विच इज़ एरेज मोर देन सिंपल वेरिएबल्स, and we will work with character strings and do some more interesting problems. We will worry about pointers. Java mein pointers abhi aapne nahi dekhe, thoda sa unka zikr hua tha, lekin Java mein hai nahi. And those are some of the strengths of C and C++. So we are going to basically think that this is a milestone as far as this course is concerned. Basic constructs ab aapki toolkit ke andar hai, iske baad hum और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाते जाएंगे और बहुत सारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।